नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडो नेपाल। पेश है आज की खास खबरें। पिथौरागढ़ जिले के गंगोरा शेरा गांव निवासी राजेंद्र सिंह बोरा ने 24वीं पैरा राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने 100 मीटर तैराकी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। उनकी उपलब्धि पर उनके कोच प्रेम कुमार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार और उनके बड़े भाई जगदीश सिंह बोरा ने खुशी जताई है। मंगलवार को नगर के रामलीला मैदान में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 100 से अधिक समस्याएं आई। 22 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों पे वो फाइल को यहाँ पर बुलाया है। इतनी पुरानी फाइल, रिकॉर्ड हमारे बहुत दुरुस्त तरीके से रखे गए हैं। ये उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हमारे रिकॉर्ड भी अच्छे तरीके से रखे गए। मैं आपको भी बधाई देता हूँ एक दिन साहब इसके लिए। जो फाइल आपने मंगवाई है उसमें रिकॉर्ड में आपका नाम जो है, आपके पूर्वजों का नाम उसमें साफ साफ अंकित है। अब उसकी आगे जाँच कराई जाएगी कि मुआवजा किसी परिवार के सदस्यों को दिया गया है या नहीं दिया गया है, या किसी कोर्ट के या सक्षम न्यायालय में वो कहीं लंबित तो नहीं है, और अकॉर्डिंगली उसका जो है निस्तारण किया जाएगा। आप संतुष्ट हैं? धन्यवाद। शिविर में गैठीगाड़ा निवासी पुष्कर सिंह ने 31 वर्ष बाद भी झूलाघाट तालेश्वर मोटर मार्ग कटिंग का मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत रखी। जिलाधिकारी ने इतने लंबे समय तक मामले का समाधान नहीं होने पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को तलब किया और मामले का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का समाधान होने पर शिकायतकर्ता को भी इसकी जानकारी दी जाए। शिविर में नगर क्षेत्र में महिला शौचालय की संख्या कम होने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने महिला शौचालय बनवाए जाने के निर्देश दिए। आज ही हम लोगों ने पिथौरागढ़ में शहर क्षेत्र में एक बहुत उद्देश्यीय शिविर लगाया था, जिसमें कि आम जनता को जो उनकी रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण के लिए, और इसके अलावा विभागीय अधिकारियों के साथ में जो उनका समन्वय नहीं हो पाता है, अलग अलग कार्यालयों में उनको भटकना पड़ता है, उसको एक ही जगह पर सभी अधिकारियों को बुला करके, शिकायतकर्ताओं को बुला करके, तो इसका एक अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर दिखा है। और इसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल वगैरह भी लगाए हैं। हमारा प्रयास यह है कि जो है जनता की समस्याओं का न सिर्फ समाधान हो बल्कि वो उस समाधान से संतुष्ट भी हो, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है। तो इस सिलसिले में हमने स्टॉल लगाया था और अभी हम ये पूरे जनपद में अलग अलग जगहों पर इसको लगाएंगे। तो ये एक अच्छा इस बार का हमारा जो इसका रिस्पॉन्स पब्लिक कर रहा है, आगे इससे सीख करके और आगे भी हम लोग कार्य करेंगे। विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी शिविर में आए लोगों को दी। शिविर में 15 बीपीएल कार्ड, 20 परिवार रजिस्टर, 7 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। शिविर का संचालन उप जिलाधिकारी खुशबू आर्य ने किया। शिविर में ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी गोस्वामी, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी, परियोजना प्रबंधक आशीष पुनेठा, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी, अधिशासी अधिकारी नगर निगम राजदेव जायसी सहित तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट क्षेत्र के औलतड़ी गांव के रहने वाले 68 वर्षीय श्याम राम मंगलवार को अपनी पत्नी के साथ टैक्सी से दिल्ली इलाज के लिए जा रहे थे। चंपावत जिले के सिन्याड़ी में अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर 108 वाहन मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उनका निधन हो चुका था। शव को टनकपुर ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। इस घटना से औलतड़ी गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। अब पिथौरागढ़ में आपको मिलेंगे सभी बड़े ब्रांड्स के लेटेस्ट और बेस्ट क्वालिटी के स्पोर्ट्स एक्सेसरीज, फुटबॉल जर्सी, स्पोर्ट्स शूज, क्रिकेट हो या हॉकी, फुटबॉल हो या बास्केटबॉल। अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स गियर के लिए आज ही संपर्क करें माँ उल्का स्पोर्ट्स एरिना नियर स्पोर्ट्स स्टेडियम। पिथौरागढ़ जिले के असने वाले क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां को आज उनके जन्म दिवस पर नेड़ा के भारतीय सदन में आयोजित गोष्ठी में श्रद्धांजलि दी गई। सामाजिक चिंतक डॉक्टर तारा सिंह ने अशफाक उल्लाह खां के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला और कहा कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगने के बजाय
फांसी के फंदे को चुना। ऐसे क्रांतिकारी देश के लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। गोष्ठी में देवकी कोरंगा, भावना ततराड़ी, बबीता भट्ट, केदार सिंह, चेतन शर्मा, सुनीता ओली, शौर्य मेहरा आदि मौजूद रहे। नाचनी क्षेत्र के मल्ला भैंसकोट में एमएससी उत्तीर्ण युवती की घास काटने के दौरान पहाड़ी से गिर जाने से मौत हो गई। ग्राम प्रहरी हरक राम ने बताया कि ग्राम प्रधान गोविंद राम की 22 वर्षीय पुत्री दीपा अपनी मां जमुना देवी के साथ पहाड़ी पर घास काट रही थी। इसी दौरान पहाड़ी से गिर गई और गंभीर रूप से घायल दीपा ने अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। बताया गया कि मृतका अपने परिवार की सबसे छोटी बेटी थी। हाल ही में उसने एमएससी उत्तीर्ण किया था। इस दर्दनाक घटना पर दुख प्रकट करते हुए भाजपा नेता दीपू जुफाल और तल्ला जोहर भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष अजय दशौनी ने प्रशासन से परिवार को आर्थिक मदद देने की अपील की है। क्वारबन में पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना 8वें दिन भी जारी रहा। 8वें दिन प्रमोद कुमार, शांति देवी, भगवान सिंह, अंकिता, प्रियंका, जयंती देवी, लाल सिंह आदि धरने पर बैठे। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक पुल का निर्माण नहीं होता उनका धरना जारी रहेगा। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर के शर्मा की अगुवाई में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंगलवार को नगर के रेस्टोरेंट और होटलों में निरीक्षण किया। इस दौरान संदेह होने पर खोया चॉकलेट और मोतीचूर लड्डू के दो नमूने जांच के लिए सैंपल के रूप में लिए गए। इन्हें जांच के लिए रुद्रपुर भेजा गया है। जांच के नमूने फेल होने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यूज संबंधी सुझाव के लिए कमेंट करें। NIN सबसे अलग सबसे तेज। धन्यवाद।